ये सब काम करोगे तो आपके हाथ तो गंदे होने हैं ये। आई डोंट थिंक कोई भी राइडर ने वन गो में इतनी सारी सब चीजें एक्सप्लोर की है। ब्रेक पैड का एरिया घिस जाता है उतने ये चीज बाहर आ जाते हैं। एंड अभी ये एक्स्ट्रा स्पेयर मैंने ले लिए, सो कभी भी ये चीज काम में आ सकती है। ये फायदा है ऑफ आवर वेनॉम क्रैश गार्ड, लेफ्ट हैंड साइड वाला ब्रेक पैड कम हो गया है। सो ये है साइड स्टैंड बाईपास सेंसर, बहुत हेवी है यार। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग बैक टू माई चैनल दैट इज सागर्स लाइफ, अवर चैनल नेम। सो वेलकम यू ऑल इन अनदर DIY वीडियो, DIY इंस्टॉलेशन जो भी आप बोल सकते हो। सो एज रिटन इन द टाइटल, जी हाँ, टूडेज वीडियो आई विल शो यू हाउ यू कैन चेंज, रिप्लेस, क्लीन द फ्रंट ब्रेक पैड ऑफ योर KTM 390 एडवेंचर। दिस प्रोसेस विल एप्लीकेबल ऑन KTM ड्यूक ऑल्सो 200 390, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मोस्ट ऑफ द न्यू बाइक्स में सेम प्रोसेस होता है। ऑल्सो दो तीन चेंजेस करने मुझको अपने बाइक के, अपना जो 360 का माउंट है Insta360, सो वो चेंज करना है मुझको। करंटली इट इज इंस्टॉल ऑन माय हैंडल बार, सो हैंडल बार के ऊपर भी एक पुराना वाला और भी एक बैकअप है मेरे पास, वो पे लगाऊंगा और करंट हैंडल बार वाला रिमूव करके अपने क्रैश गार्ड के ऊपर लगाने वाला हूँ, ताकि इन अपकमिंग आवर राइड में ब्यूटीफुल Insta360 की शॉट्स हमको मिल जाएंगे। ऑल्सो ये चीज अपने बाइक के ऊपर अपन इंस्टॉल होने वाली है। क्या है ये? ये है अपने सैडल स्टे फ्रॉम हाइपर राइडर्स। सो ये चीज मैंने रिमूव करके रख दी थी आफ्टर कम्प्लीटिंग माई लद्दाख राइड। बहुत हेवी यार, अननेसेसरी, आई डोंट वांट टू कैरी दिस ऑन माय बाइक। सो बहुत हेवी थे, दैट्स व्हाई मैंने रिमूव करके रख दिए थे, बिकॉज अपनी जस्ट छोटी मोटी राइड्स होने वाली थी जो आप लोगों ने देखी ली इन पास्ट 2 मंथ्स। सो उसमें सैडल स्टे की जरूरत नहीं थी, सैडल बैग हम लोग ने यूज नहीं करने वाले थे। बट इन माय अपकमिंग बिग राइड्स, बिग बोले तो करंटली तो 2 राइड प्लान है, बहुत बड़ी राइड होने वाली है। इतनी बड़ी राइड मैंने अभी तक नहीं की है, और आप लोगों को तो पता है अपनी राइड कैसी होती है। लद्दाख का कंप्लीट सर्किट मैंने कंप्लीट किया था, कंप्लीट लद्दाख, कंप्लीट झंस्कार एंड अब जम्मू कश्मीर। आई डोंट थिंक कोई भी राइडर ने वन गो में इतनी सारी सब चीजें एक्सप्लोर की है। अभी नाम नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट कर सकते हो इन लद्दाख सीरीज में हम लोगों ने क्या क्या चीजें एक्सप्लोर की है। बहुत हेवी है यार। सो ये चीज मैं वापस अपनी बाइक के ऊपर इंस्टॉल करने वाला हूँ, क्यों वो तो अपकमिंग वीडियो में आपको बताई दूंगा, दिखाई दूंगा, बट तब तक आप गेस कर सकते हो ये चीज बाइक के ऊपर मैं वापस क्यों इंस्टॉल कर रहा हूँ। कमेंट डाउन योर गेसेस इन कमेंट सेक्शन, देखते हैं आप लोग गेस कर पाते हैं कि नहीं। ऑल्सो इन अपकमिंग वीडियो एक बहुत अच्छी डील मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा, जैसे इन पास भी मैंने लाई थी। सो इससे तो आपको आइडिया मिल गया रहेगा, नहीं है अभी तक, कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में देख लेना। तो फटाफट चलते अपनी बाइक के ऊपर, जो जो चीजें बताई थी आपको वो कर लेते हैं। सैडल स्टे का इंस्टॉलेशन मैं शूट नहीं करूंगा इस वीडियो में, अननेसेसरी बड़ा हो जाता है। इसका सेपरेट वीडियो मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड किया था, अगर आपके पास भी हाइपर राइडर्स के ये हेवी वाले हाई बिल्ड क्वालिटी वाले सैडल्स है तो उसका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं विद टॉप रैक, अपने चैनल के ऊपर वीडियो अपलोडेड है। इफ यू वांट, उसके लिंक अभी आई बटन में आ रहेगी, यू जस्ट कैन चेक इट आउट। सो चलते हैं अपने बाइक के ऊपर और स्टार्ट करते हैं दिस वीडियो। सो ये रहे अपनी मैवरिक, अपने मैवरिक के जो आगे की जो ब्रेक पैड है वो ऑलमोस्ट अभी खत्म होने आए, खत्म इन द सेंस अभी भी मैं देखूँ तो मोर देन 25-30% जान है उसके अंदर। ओपन करूंगा उसके बाद दिखा दूंगा। करंटली क्लॉक की अपनी बाइक ने ऑलमोस्ट 20,000 किलोमीटर्स, और ये स्टॉक वाले हैं जो बाइक के साथ फर्स्ट आए थे। सो सोच लीजिए सिंथर ब्रेक पैड जो बाइक के साथ आते हैं वो महंगे तो है, बट इसकी लाइफ देख लीजिए 20,000 तक, अभी तो और 3,000-4,000 इजीली जाएंगे, बट आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क। सो इसको अभी रिमूव करके रख दूंगा, इन केस आगे सिटी राइड के टाइम इनको वापस डाल दूंगा। लॉन्ग राइड में आई विल प्रेफर टू हैव द न्यू ब्रेक पैड्स, वो महंगे हैं बट वर्थ चीज है बॉस। सो फॉर मेकिंग दिस वीडियो मैंने ऑलरेडी एडवांस अपने पास ब्रेक पैड लेके रख दीजिए, द सेम वन एज स्टॉक ब्रेम्बू असिंथर ब्रेक पैड। ये चीज मैं सर्विसिंग के टाइम भी चेंज करवा सकता था वाया सर्विस सेंटर का इस, बट आई वॉन्ट टू शो यू हाउ टू चेंज द ब्रेक पैड ऑन योर KTM बाइक। इट विल एप्लीकेबल फॉर ऑल द KTM बाइक्स, एडवेंचर, ड्यूक, सबके ऊपर सेम रहता है। इवन हम लोग ने जो अपने RR310 के ब्रेक पैड चेंज किए थे उसका भी वीडियो अपने चैनल के ऊपर है, सेम प्रोसेस है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उसके लिंक अभी आई बटन में आ रहेगी, यू गाइस कैन चेक इट आउट। सो फॉर ओपनिंग द ब्रेक पैड इजी है, पूरा ये यूनिट रिमूव करने की जरूरत नहीं, जैसे मुझको जिक्सर में रिमूव करना पड़ता था। सो जस्ट आपको ये एक स्क्रू और ये एक स्क्रू रिमूव करना है, उसके बाद ये कंप्लीट यूनिट बाहर आ जाएगा। एंड ब्रेक पैड रिमूव करने के लिए यहाँ पे ये यूनिट रहता है, ये ऐसा एक एरो दिख रहा है आपको, ये देख लीजिए यहाँ पे, सो वो एरो वाला चीज़ है। सो उसको रिमूव करना है बाय रिमूविंग दिस स्टार वाला स्क्रू। ये स्टार वाला स्क्रू ओपन करने के लिए अपनी जो हर वक्त की अपनी जो टूल किट है उसके अंदर वो मिल जाता है। सो कुछ अलग जगह पे जाके ये टूल जाने की ज़रूरत नहीं, अपनी इस टूल किट के अंदर सब चीज़ मिल जाती है। इफ़ यू गाइज वॉन्ट, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, मस्ट बाय प्रोडक्ट है। फॉर डूइंग द एनी ऑफ द ऑपरेशन ऑफ योर बाइक और योर कार ये टूल किट वर्थ है, लेके रख दीजिए। सो चलो ओपन कर लेता हूँ ये दो बोल्ट।
सो 30 नंबर के स्पैनर से ये दोनों भी ओपन हो जाएंगे। ये आ गया दूसरा ही बार। सो ये इस यूनिट को बाहर की तरफ खींच लिया एंड ये है लाइफ ऑफ ब्रेक पैड। यार अभी भी लाइफ है इसके अंदर। बाहर की तरफ से मैंने देखा तो अभी आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड वाला ब्रेक पैड कम हो गया है, बट राइट हैंड साइड वाले में बहुत जान अभी भी बाकी है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल नॉट प्रीफर टू चेंज द ब्रेक पैड राइट नाउ। इसको ऐसे यूज़ करूँगा, अपनी जो नेक्स्ट राइड है वो है ऑलमोस्ट 3500-4000 की, उसके अंदर ही इजिली चले जाएंगे, इजिली उससे ज़्यादा भी जाएंगे। इसको जस्ट रिमूव करके क्लीन कर लेता हूँ एंड वापस इसको इंस्टॉल करके आपको दिखा दूंगा। तो सेम प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो फॉर चेंजिंग और क्लीनिंग योर ब्रेक पैड्स ऑन योर KTM 390 एडवेंचर। तो इसको रिमूव करने के लिए जैसे बता दिया, ये वाला स्टार वाला बोल्ट बाहर रिमूव करने आए हैं एंड देन ये पोर्शन बाहर आ जाएगा एंड अपने ब्रेक पैड इजिली बाहर निकल जाएंगे। सो ये वाला, इसकी नंबर है 30, ये देख लीजिए, ये शेप है उसका स्टार वाला। सो ये स्टार वाला शेप वाला ये इसके अंदर चला जाएगा ये ऐसे एंड उसके बाद ये स्क्रू रिमूव हो जाएगा। आ गया बाहर, बट बिफोर दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू, ये अपनी जो पिन है वो रिमूव कर लीजिए, ऐसे ये पिन आ जाती है वो रिमूव। इसको खींच के बाहर ले लेता हूँ, दैट्स इट, ये आ गया बाहर। ये जो लॉक बोल रहा था मैं, ये ऐसे लॉक रहता है एंड अपनी ब्रेक पैड आ गए हैं बाहर। उसका शील्ड रिमूव हो गया है, ये देखिए ऐसे शील्ड रहती है एंड ये है ब्रेक पैड। सो वाला भी रिमूव कर लेता हूँ, ये है ब्रेक पैड। सो अपने स्टॉक वाले ब्रेक पैड कुछ ऐसे कंडीशन में है, इसकी लाइफ है देख लीजिए, इतनी लाइफ है बाकी। ये थोड़ा ज़्यादा यूज़ हुआ है, अंदर की तरफ रहता है टूवर्ड्स इनसाइड साइड ऑफ द डिस्क एंड ये बाहर की तरफ रहता है, तो ये अच्छा खासा है। सॉरी फॉर डर्टी हैंड्स, बिकॉज ये सब काम करोगे तो आपके हाथ तो गंदे होने हैं ये। सो चलो इसको भी सैंड पेपर से क्लीन कर लेता हूँ एंड देन उसके बाद ये जो एरिया हम लोग ने रिओपन किया है, ये मास्टर सिलेंडर भी क्लीन करके उसको अंदर की तरफ पुश करना है। ये देख लीजिए, ये दोनों को अंदर की तरफ पुश करना है, देखा इतना काला काला आ गया है बाहर। सो इसके ऊपर की जो गंदगी रहती वो यहाँ पे आ गई। सो इससे अपने ब्रेक पैड को बहुत अच्छी तरह से ग्रिप मिलेगी। तो ये कंपेरिजन, ये अपने पुराने वाले जो अभी मैंने बाइक से रिमूव कर लिए, ये है नए वाले देख लीजिए, नए इतने जाड़े आते हैं एंड ये इतने हैं। सो ऑलमोस्ट ये 60% ख़त्म हो गए, 40% अभी भी जान इसके अंदर बाकी है। ये जो कर्व एरिया है यहाँ पे देख सकते हो, वो आपको देखना है, ये देख लीजिए फॉर मेजरिंग। सेम ब्रेक पैड्स रहते हैं, उसका बैक साइड का भी दिखा देता हूँ आपको, ये देख लीजिए सेम मॉडल नंबर, सेम नंबर्स यहाँ पे भी है। ब्रेम्बो नए आते हैं तो ऐसे आते हैं एंड यूज़ करने के बाद इसकी हालत कुछ ऐसे हो जाती। सो व्हाट आई विल डू, आई विल नॉट इंस्टॉल दिस न्यू वन, इसको ऐसे रखते हैं। एक मेरी राइड हो जाएगी अभी इसके अंदर जो 3500-4000 किलोमीटर है, उसके बाद अपनी जो नॉर्थ ईस्ट की जो राइड है उस वक्त आई एम गोइंग टू इंस्टॉल दिस ब्रेक पैड्स। तो इस तरफ की ये पकड़ है जो नॉर्मल हमको प्लम्बिंग के वर्क के लिए काम में आती है, वो यूज़ करने वाला हूँ मैं ऐसे। तो दैट्स इट, ये कुछ इतने अंदर की तरफ चले गए हैं, इसके पहले आपने देख लिया इतने बाहर की तरफ थे, बिकॉज जितना वो ब्रेक पैड का एरिया घिस जाता है उतने ये चीज़ बाहर आ जाते हैं अपने डिस्क को ब्रेक पैड चिपक के रखने के लिए। तो जब भी आप रिमूव करेंगे ब्रेक पैड, ध्यान में रखिए इस सबको वापस अंदर की तरफ पुश करने के लिए। सो इंस्टॉलेशन हो गया है अपने ब्रेक पैड का वापस, ये पिन भी डाल दिया है मैंने, अपना स्टार वाला स्क्रू भी अंदर की तरफ कम्प्लीट चला गया है। सो ये इतना गैप बन गया है और अपनी जो डिस्क है वो इतनी जाड़ी है नहीं। सो जैसे जैसे आप ब्रेक एंगेज करोगे ये मास्टर सिलेंडर बाहर की तरफ आ जाएंगे चारों की तरफ से एंड उसके बाद प्रॉपरली ब्रेक पैड एंगेज हो जाएंगे विथ डिस्क। दैट्स इट। सो अभी आप देखोगे ना फर्स्ट टाइम, सो थोड़ा स्पॉन्जिनेस मिलेगा आपको इस ब्रेक पैड जब आप ब्रेक एंगेज करोगे। ये देख लीजिए कितना स्पॉन्जिनेस है, देख लीजिए ये देखिए अब भी हो गया, ये हो गया। दैट मीन जो मास्टर सिलेंडर का जो गैप हम लोगों ने उसको अंदर की तरफ पुश किया था वो वापस बैक टू नॉर्मल हो गया है और अपना ब्रेक प्रॉपर एंगेज हो गया है, ये देख लीजिए दैट्स इट। अभी और भी दो तीन चीज़ें हम लोग को करनी है। ये जो अपना जो 360 का माउंट था वो मैं सोच रहा हूँ इसको यहाँ से रिमूव करके अपने स्क्रैच गार्ड के ऊपर लगा दूँ, बिकॉज यहाँ पे जब मैं इंस्टा 360 की स्टिक कनेक्ट करता हूँ तो वाइल्ड टर्निंग ये देख लीजिए अपनी इस विंडशील्ड के यहाँ पे अटक रहा है। सो आई एम प्रीफरिंग कि इसको यहाँ पे लगा दूँगा देन उसके बाद यहाँ से बेस्ट एंगल आ जाएगा और यहाँ पे भी ये चीज़ को लगेगा। सो ज़्यादा हैंडल टर्न करने के वक्त उसको
यहाँ से बेंड करके अंदर की तरफ डाल दूंगा। तो अपने हैंडल बार वाले माउंट को यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। ये देख लीजिए यहाँ पे ये लग गया है। ये फायदा है ऑफ आवर वेनॉम क्रैश गार्ड। सो अभी आप बोलोगे यहाँ पर डालने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ फिर हैंडल को यहाँ पे लगेगा। ये देख लीजिए यहाँ पे ये ऊपर की तरफ आएगा। सो इतना तो यू टर्न मारूंगा नहीं मैं, जब भी इंस्टा 360 शॉट अपने स्टेट रोड रहेगा हाईवे पे वही प्रेफर करने वाला हूँ जब भी स्टिक नहीं रहेगी। सो इसको मैं यहाँ पे ऐसे रख सकता हूँ। ये देख लीजिए ये ऐसे लग गया। सो कुछ टेंशन नहीं है, जब यूज़ नहीं रहेगा इसको ऐसे यहाँ पे डाल दूंगा। अभी तो जो स्टिक भी है वो मैक्स टू मैक्स यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ से नहीं इतनी ही आ जाएगी। सो स्टिक के साथ भी उसको यहाँ पे डाल दूंगा। जब भी शॉट लेने हैं इसको सीधा करके स्टिक को बड़ा करके इंस्टा 360 यहाँ पे माउंट कर दूंगा। सो एक चीज़ हो गया, बट यहाँ पे भी मैं बैकअप बनाना चाहता हूँ इस चीज़ का। सो मेरे पास ये रैम माउंट है होल वाला। सो इसको लगाने के लिए मुझको इस स्क्रू के अंदर इसको लगाना पड़ेगा। बट ये ऐसे जब लगाऊंगा तो अपना ये ऑक्स स्लाइड का बटन यहाँ पे आ रहा है। सो ऑक्स स्लाइड के बटन को यहाँ पे थोड़ा मूव कर लेता हूँ एंड उसके बाद इस चीज़ को यहाँ पे लगा देता हूँ। सो ये एज अ बैकअप बन जाएगा। सो अपना ये माउंट भी लग गया है। यहाँ पे मैंने वॉशर भी यूज़ कर लिया है। सो यहाँ पे अपना ओल्ड वाला सेटअप भी हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं या अपने फ्रंट फेसिंग एक्शन कैमरे में लगा सकता हूँ। मिरर आई एम गोइंग टू चेंज टू द स्टॉक वन, ये रिमूव कर दूंगा। सो ये कुछ केबल टाई जो मैं हमेशा रखता हूँ अपने बाइक के ऊपर, यहाँ पे जो अपना टूल किट है वहाँ पे। सो कभी भी ये चीज़ काम में आ सकती है, कभी भी इनके साथ लॉन्ग राइड पे हो, हेडलाइट को प्रॉब्लम आ गया या अपनी जो ऑक्स लाइट है वो लूज़ हो गई, कुछ भी चीज़ के लिए ये चीज़ काम में आती है। तो ध्यान में रखिए हमेशा ये चीज़ अपने बाइक के टूल किट एरिया में रख दीजिए। ऑल्सो ये कुछ स्पेयर मैंने फ्यूज़ ले लिए, जो लास्ट टाइम जो अपना बटन ख़राब हो गया था तो नया बटन डाला था तो अपने ये 10 और 15 नंबर वाले जो फ्यूज़ थे वो ख़राब हो गए थे इसके अंदर के। सो स्पेयर वाले मैंने वहाँ पे डाल दिए एंड अभी ये एक्स्ट्रा स्पेयर मैंने ले लिए। ये ऑरेंज वाला है 10 का, ये है ब्लू वाला 15 का और ये 20 वाले। सो ये एक्स्ट्रा मैंने तीन चार चार लेके रख दिए, वो भी अपने बाइक के अंदर इस टूल किट में रख दूंगा। ऑल्सो ये चीज़ मैं हमेशा रखता हूँ अपनी बाइक के टूल किट के अंदर, अपने इसके अंदर, ये इतना छोटा सा है। सो ये है साइड स्टैंड बाईपास सेंसर जो लगता है यहाँ पे। कैसे लगता है, इसका काम कैसे होता है, सबका वीडियो अपने चैनल के ऊपर सेपरेटली बनाया हुआ है। अगर आपको चेकआउट करना है तो उसके लिंक अभी आई बटन में आ रहेगी। व्यूअर्स कैन चेकआउट, मस्ट नीडेड है इफ़ यू आर डूइंग लॉन्ग राइड और इवन चलो सिटी में भी कभी कभी ये प्रॉब्लम फेस होता है। सो ये चीज़ क्या करती है जस्ट क्विकली बता देता हूँ। अपना जो साइड स्टैंड है यहाँ पे है सेंसर, ये देख लीजिए ये है सेंसर। सो उसकी वजह से क्या होता है, अगर आपका साइड स्टैंड नीचे तो अपनी बाइक गियर में स्टार्ट नहीं होती है। बट कभी कभी भले ये चीज़ ऊपर रहती है बट आपका गियर इंडिकेटर ऑडोमीटर पे दिखाएगा कि साइड स्टैंड इज़ ऑन। सो वो चीज़ अवॉइड करने के लिए ये चीज़ लगा के रख देनी है उसके अंदर, दैट्स इट। उसके बाद ऑटोमेटिकली बाईपास हो जाएगा साइड स्टैंड का सेंसर। ध्यान में रखिए हमेशा लगा के मत रखिए, जब भी एक इशू फेस होता है इमरजेंसी में तभी आप यूज़ करना एंड जब भी उसके बाद सर्विस सेंटर विजिट करोगे तो ये प्रॉब्लम रेक्टिफाई करना। बिकॉज दिस फीचर इम्प्लीमेंटेड ओनली फॉर आवर सेफ्टी, साइड स्टैंड नीचे रख के आप बाइक ना चलाएं उसके लिए ये फीचर है। सो ये भी जाएगा अपने टूल किट के अंदर। सो ये थोड़ी मोटी चीज़ है जो हमेशा अपने बाइक के अंदर रखता हूँ, सोचा आज आपको दिखाई दूँ। ऑल्सो अपने स्टॉक वाले मिरर मैं अभी लगाने वाला हूँ, या अपने दोनों भी डबल टेक रेप्लिका अभी रिमूव कर दूंगा। बिकॉज जैसे मैं बता दिया था कि ये मिरर्स मैं अपनी लॉन्ग राइड पे यूज़ करने वाला हूँ हमेशा के लिए, और जब भी सिटी में रहूँगा जस्ट शो शाइनिंग के लिए अपने ये मिरर यूज़ करूँगा। सो अभी अपनी लंबी राइड होने वाले, सो बिफोर दैट आई एम इंस्टॉलिंग दिस वन बैक। सो अपने स्टॉक वाले मिरर लग गए हैं, एकदम इजी टास्क है। उसको जस्ट रोटेट करके रिमूव कर दिया अपने इस डबल टेक वाले मिरर्स को एंड ये प्लग एंड प्ले, दैट्स इट। सो अभी स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन पार्ट ऑफ आवर सैडल स्टे। ये देख लीजिए कुछ ऐसे दिखते हैं विदाउट सैडल स्टे, सिर्फ अपना ये टॉप रैक मजबूत वन ऑफ हाइपर राइडर सेफ। सो ये भी हाइपर राइडर्स का ही है। सो अपना जब सैडल स्टे यहाँ पे लग जाएगा, सो एक सपोर्ट आता है यहाँ पे, दूसरा सपोर्ट आता है यहाँ पे एंड तीसरा सपोर्ट आता है यहाँ पे। यहाँ पे ये वॉशर भी दिया हुआ है प्लास्टिक का। अभी ये इंस्टॉलेशन पार्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद आपको दिखा देता हूँ। आफ्टर जस्ट 15-20 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज अपने सैडल स्टे बैक ऑन बाइक, देख लीजिए कितने मजबूत लग से लग गए हैं। ये देख लीजिए पूरी बाइक हिल रही है बट सैडल से नहीं हिल रहे हैं, ये देख लीजिए। सो लेफ्ट हैंड साइड का हो गया एंड ये है राइट हैंड साइड, कंप्लीट फिनिश इंस्टॉलेशन। सो यहाँ पे एक जॉइंट यहाँ से माउंट कनेक्ट हो जाता है सपोर्ट एंड दूसरा सपोर्ट यहाँ से आ जाता है एंड तीसरा सपोर्ट ये यहाँ से आ जाता है। सो टोटल 3 सपोर्ट है, और भी ज़्यादा सपोर्ट लगेंगे आई डोंट नो, नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा किसके लिए, वो आप गेस करते रहिए इन कमेंट सेक्शन। सो दैट्स इट, सभी चीज़ें हो गई है, अपना टॉप रैक, सैडल स्टे, स्टॉक वाले मिरर्स, देन अपना ये वाला माउंट एंड देन अपना ये एक्स्ट्रा वाला
So overall everything is finished. So that's it my friend. इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, जो भी इंस्टॉलेशन आपको दिखाई दिया और ऑल्सो जो अपकमिंग वीडियो में आपको जो मिलने वाला है सरप्राइज, तो उसका गेस आप अभी से मेंशन कर सकते हो इन कमेंट सेक्शन क्या चीज है वो. सो इफ एनी ऑफ दिस वीडियो हेल्प्स यू, सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन. यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टिल नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, देन आई विल रिक्वेस्ट टू डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बिकम द पार्ट ऑफ अवर फैमिली. सो दिस इज सागर साइनिंग ऑफ. ऑलवेज योर हेलमेट, राइड हार्ड, राइड सेफ, सी या. एंड हाँ, कमेंट में गेस कर लेना क्या चीज है, और सरप्राइज भी है आप लोगों के लिए.